चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवी फ्लीट है। 370 से ज्यादा वारशिप्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 79 सबमरीन्स, जिसमें से 12 न्यूक्लियर पावर्ड है। सोचो अगर ये 79 सबमरीन्स बिना दिखाई दिए हमारे वाटर्स में घुस आए तो हम क्या करेंगे। अभी हमारे पास कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इतने बड़े अंडर वाटर थ्रेट के लिए वो काफी नहीं है। लेकिन रुको, क्या हो अगर मैं कहूं कि सबमरीन्स को रोकने के लिए हमें ना सीप चाहिए, ना एयरक्राफ्ट कैरियर, बल्कि एक ऐसी चीज चाहिए जो पानी के अंदर ही उनका गेम खत्म कर दे। एक देसी अंडरवाटर एआई ड्रोन नेटवर्क जो चाइना के सबमरीन्स को समुद्र के अंदर ही पकड़ ले। ये कैसा होगा, काम कैसे करेगा और क्यों ये आइडिया चाइना के खिलाफ सबसे पावरफुल वेपन बन सकता है, ये सब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। जो दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा खौफनाक है जो दिखाई नहीं दे रहा। सबको लगता है चाइना की नेवी का पावर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स या बड़े वारशिप्स में है, लेकिन असल में खतरा वहाँ नहीं है। असली डेंजर है उसकी 79 सबमरीन्स, हाँ 79, और ये छुपने में माहिर होती हैं। पानी के नीचे रहती हैं, रडार से बच जाती हैं और बिना किसी को पता चले किसी भी समुन्दर के अंदर घुस जाती हैं। सोचो जरा, वार के टाइम अगर कोई छुप के वार करे बिना वार्निंग के, तो सबसे पहले कौन करेगा। यही सबमरीन, टॉर्पीडो हो या मिसाइल, ये डायरेक्ट वार कर सकती हैं और समुद्र के नीचे ही गायब हो जाती हैं। ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड भी होती हैं, मतलब ज्यादा टाइम तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं, बिना सरफेस पे आए मिशन कंप्लीट कर सकती हैं और मिसाइल भी लॉन्च कर सकती हैं। अब भारत की बात करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जैसे पीएटआई एयरक्राफ्ट, जिसे सबमरीन हंटर भी बोला जाता है, जो सबमरीन को ढूंढ सकता है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स, जो सोनार्स और टॉर्पीडो के साथ अटैक कर सकता है। लेकिन ये दोनों दूसरे देश से लिया गया सिस्टम है, बहुत कॉस्टली भी है और लिमिटेड नंबर्स में है, हर जगह कवर करना मुश्किल है और इनका फ्लाइट टाइम भी लिमिटेड होता है। 24/7 मॉनिटरिंग इम्पॉसिबल है। समुद्र में चाइना के 79 साइलेंट किलर्स हैं, लेकिन हमारे पास उनके लिए कोई परमानेंट देसी और स्मार्ट सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। पीएटआई और MH-60 रोमियो जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस और ऑपरेशन भी बहुत महंगा है। एक पीएटआई का प्राइस है 1,800 करोड़ और एक रोमियो हेलीकॉप्टर 2,200 करोड़ से भी ज्यादा का, मतलब ज्यादा नंबर्स में लेना मुश्किल है। ये सब सिस्टम यूएसए से लिए गए हैं, तो कल हो के अगर सप्लाई बंद हो गया या फिर पार्ट्स ना मिले तो हम सिस्टम चलाने में भी फेल हो सकते हैं। समुद्र छोटा नहीं है, इंडियन ओशियन में लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं, हर जगह उनका पहुंचना मुश्किल है, खासकर अगर सबमरीन्स स्टेल्थ मोड में हो तो। अगर एक सबमरीन डिटेक्ट हो भी जाए तो उसका डाटा एनालाइज करना, कंफर्म करना और टॉर्पीडो लॉन्च करने में टाइम लगता है, और इस डिले का मतलब हो सकता है एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च या फिर एक शिप डिस्ट्रॉय। तो असली प्रॉब्लम सिर्फ चाइनीज सबमरीन्स नहीं, हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम की लिमिटेशंस भी हैं। तो अब सोचो अगर सबमरीन्स पानी के नीचे रहती हैं तो उनका जवाब भी पानी के नीचे से ही मिलना चाहिए, राइट। तो ये रहा मेरा देसी सॉल्यूशन, अंडर वाटर एआई ड्रोन नेटवर्क, एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम जो हमेशा एक्टिव रहे, सेल्फ पावर्ड हो, चाइना के 79 सबमरीन्स को डिटेक्ट करके फेल कर दे। काम कैसे करेगा, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसके डिजाइन को देखते हैं, साइज में छोटे लेकिन काम में बड़े होंगे, लगभग एक स्कूटर या LPG सिलेंडर के बराबर, ताकि आसानी से समुद्र में डिप्लॉय हो सके। हर ड्रोन के अंदर सोनार सिस्टम होगा, जैसे अंडर वाटर का कान। जब कोई सबमरीन पानी में मूव करती है तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, ड्रोन का सोनार इन वाइब्रेशंस को सुनता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये सिग्नल नॉर्मल शिप का है या किसी छुपे हुए सबमरीन का। ड्रोन का बॉडी डिजाइन भी स्पेशल होगा, स्टेल्थ मोड में बनाया जाएगा ताकि दुश्मन का सोनार इसे इजीली डिटेक्ट ना कर पाए, और साथ में ये हीट सिग्नेचर भी रिलीज ना करे और ना ही मैग्नेटिक सेंसर्स में पकड़ा जाए। जैसे डॉल्फिन पानी में सोनार से हंटिंग करते हैं, वैसे ये ड्रोन सोनार से सबमरीन को सुनेगा। ड्रोन्स में दो तरह के एनर्जी सोर्स होंगे, पहला सोलर पैनल्स,
जब जरूरत हो ड्रोन सरफेस पे आके सूरज की रोशनी से खुद को चार्ज कर सके, और दूसरा वेव एनर्जी हार्वेस्टर पानी की लहरों से भी एनर्जी जनरेट कर सके। मतलब इन्हें बार बार फ्यूल या बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। ये महीनों तक या फिर कहे तो सालों तक बिना रुके समुद्र में नजर रख सकते हैं। सभी ड्रोन्स एक एआई बेस्ड मेस नेटवर्क से जुड़े होंगे। अगर एक ड्रोन किसी सस्पिशियस साउंड या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे तो वो रियल टाइम में बाकी ड्रोन्स को भी अलर्ट करे। एआई सिस्टम सिग्नल्स का एनालिसिस करेगा, जैसे कि साउंड का पैटर्न, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड और डायरेक्शन। अगर एआई को लगता है कि ये इनेमी सबमरीन है तो तुरंत बेस स्टेशन को सिग्नल भेजा जाएगा बिना किसी ह्यूमन डिले के। डिटेक्शन के बाद नेवी का बेस तुरंत एक्टिवेट करेगा DRDO का स्मार्ट मिसाइल। यह एक स्पेशल मिसाइल है जो हवा में जाके टारगेट एरिया पे एक लाइट वेट टॉर्पीडो ड्रॉप करता है, जो पानी में घुस के सबमरीन पे अटैक करता है। ड्रोन के सोनार से मिली लोकेशन के हिसाब से मिसाइल का एम परफेक्ट होता है। इन ड्रोन्स को नेवी शिप से, कोस्ट से या स्ट्रेटजिक आइलैंड से डिप्लॉय किया जा सकता है। हर ड्रोन 20 से 30 किलोमीटर रेडियस कवर करेगा और 500 ड्रोन मिलकर पूरे इंडियन ओशियन रीजन को मॉनिटर कर सकते हैं। यह होगा एक ऐसा सर्विलेंस और स्ट्राइक नेटवर्क जो 24/7 काम करे, हर थ्रेट को बिना ह्यूमन डिले के आइडेंटिफाई करे और सबमरीन को खत्म कर दे पानी के अंदर ही, सस्ते में अपने टेक्नोलॉजी से और बिना किसी फॉरेन हेल्प के। सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे समुद्र के नीचे 500 से भी ज्यादा AI बेस्ड ड्रोन्स का एक इनविजिबल नेटवर्क हो। ये ड्रोन्स कॉन्स्टेंटली सोनार से वेव्स भेज रहे हैं, एक दूसरे से रियल टाइम कनेक्टेड है। किसी भी चाइनीज सबमरीन के आते ही उसकी लोकेशन फिक्स हो जाती है, फिर तुरंत फायर होता है स्मार्ट मिसाइल और सबमरीन का काम वहीं खत्म। कोई सबमरीन हमारे टेरिटरी में घुस ही नहीं सकती बिना एक भी नेवी ऑफिसर को डेंजर में डाले, बिना फॉरेन सिस्टम के भरोसे। इंडिया अपने समुद्र की सुरक्षा खुद करेगा 24/7। ये सिस्टम सिर्फ डिफेंस नहीं, ये बनेगा इंडिया के समुद्र का डिजिटल बॉर्डर वॉल। और यही विजन लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, साइलेंट प्रोटेक्शन, स्मार्ट डिटेक्शन। दोस्तों, अगर हम चाइना जैसे जेंट नेवी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें मिसाइल से पहले माइंडसेट और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अंडरवाटर ड्रोन सिस्टम कोई साईफाई नहीं, ये एक पॉसिबल फ्यूचर सॉल्यूशन है जिसे DRDO, इंडियन नेवी और देश के इंजीनियर्स मिलकर रियलिटी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आइडिया इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट में अपना ओपिनियन लिखो और सबसे जरूरी इसे शेयर करो। शायद आपके शेयर से किसी पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट या इनोवेटर तक ये आइडिया पहुंच जाए और कल होके जब ये सिस्टम बनता है तो हम कह सके हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल थॉट के साथ।